दो दिनों की राहत के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर जोरदार बरसात का अनुमान जताया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट और 2 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गोंदिया और वासीम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बरसात को लेकर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे राज्य के लिए बेहद अहम बताए हैं। मौसम विभाग के विशेषज्ञ KS होसलीकर ने ट्वीट कर बरसात से जुड़े अलर्ट्स की जानकारी दी है। उन्होंने यह अनुमान जताया है कि अगले 4 से 5 दिनों तक महाराष्ट्र के कई इलाकों में बरसात का जोर कायम रहेगा। इनमें से अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बरसात होगी। अगले 24 घंटे के लिए गोंदिया और वासीम जिले में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। इनके अलावा जिन 22 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है उनमें पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापुर, बीड, लातूर, नांदेड़, परभणी, हिंगोली, औरंगाबाद, जालना, बुलढाणा, अकोला, यवतमाल, अमरावती, वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा और गढ़चिरौली शामिल है। इन जिलों में कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की या मध्यम सत्र की बरसात होने का अनुमान जताया गया है। अगले 2 दिनों से 3 दिनों तक महाराष्ट्र में कहीं कम कहीं ज्यादा बरसात के हालात बने रहेंगे। सोमवार के लिए गोंदिया और गढ़चिरौली में ऑरेंज अलर्ट कायम रहेगा। इसी तरह सोलापुर, सांगली, सिंधुदुर्ग और उस्मानाबाद इन 4 जिलों को छोड़कर महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में सोमवार को भी येलो अलर्ट जारी रहेगा।